झारखंड में कैबिनेट की बैठक खत्म, सीएम सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक, 25 एजेंडों पर लगी मुहर। रांची में राज्यपाल का हेमंत सरकार को झटका, रमेश बैस ने लौटाया एक और विधेयक, झारखंड वित्त विधेयक 2022 को किया वापस। रांची में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बिगड़ी तबीयत, मेदांता अस्पताल में करवाई गई भर्ती, डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल। कैश कांड में बढ़ सकती है आरोपियों, विधायकों की मुश्किलें, विधायकों के जवाब से ईडी नहीं संतुष्ट, राजेश कच्छप और नमन विक्सल से होगी पूछताछ। 11 फरवरी को झारखंड आएंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में होंगे शामिल। झारखंड में 12 फरवरी को आरजेडी का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहेंगे मौजूद, बैठक को लेकर देवघर में किया गया मंथन। रांची में पारसनाथ पहाड़ी को वापस करने की मांग को लेकर सांसद सालखन मुर्मू ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा 11 फरवरी को झारखंड समेत कई राज्यों में किया जाएगा आंदोलन। झारखंड में पारा चिकित्सा कर्मचारियों का विरोध जारी, नियमितीकरण की मांग को लेकर आमरण अनशन, 24 दिनों से जारी है कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन से बिगड़ी कई कर्मचारियों की तबीयत। पटना में नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट का उद्घाटन, सीएम नीतीश कुमार ने की कार्यक्रम की शुरुआत। बिहार की कानून व्यवस्था पर चिराग पासवान का हमला, छपरा कांड को बताया जघन्य, कहा नीतीश को समाधान यात्रा के मकसद का पता नहीं। पटना गोलीकांड के बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का बयान, कहा बिहार में जंगल राज की स्थिति। समाधान यात्रा पर सीएम नीतीश जाएंगे पूर्णिया, विशुनपुर गांव में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का करेंगे समाधान, सीएम के दौरे को लेकर गांव में तैयारियां पूरी। पूर्णिया में सीएम के दौरे से पहले विरोध, स्थानीय लोगों ने एनएच को जाम किया प्रदर्शन, गांव में विकास नहीं होने का लगाया आरोप। जेडीयू एमएलसी राधा चरण साह के ठिकानों पर रेड जारी, 7 फरवरी से चल रही है राधा चरण साह के ठिकानों पर आईजी की रेड। राजधानी पटना में बदमाशों ने महिला समेत 11 लोगों को मारी गोली, चेन स्नैचिंग के दौरान वारदात को दिया अंजाम, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। राजधानी पटना में गोलीबारी की वारदात के बाद गरमाई सियासत, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम नीतीश पर साधा निशाना। रोहतास में मुखिया के आवास पर आईजी की छापेमारी, शखन्हा पंचायत की मुखिया पूनम देवी के घर पर छापा, मुखिया के पूरे आवास को किया गया सील। गया में कुख्यात नक्सली अभ्यास भुजिया ने किया सरेंडर, एक राइफल और 920 जिंदा कारतूस बरामद, 40 लाख का इनामी नक्सली है अभ्यास भुजिया। लातेहार में सीआरपीएफ की टीम ने भारी मात्रा में बरामद किया हथियार, कुरुकमखेता जंगल में किया ये कॉम्बिंग ऑपरेशन। बोकारो में सामने आई सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में भ्रष्टाचार, फॉर्म भरने के नाम पर मोटी रकम वसूलने का आरोप, डीसी ने दिए जांच के आदेश। सुपौल के राघोपुर में गांजा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई, 246 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। समस्तीपुर में रात के अंधेरे में दवाओं की कालाबाजारी, पीएचसी में दवाओं की हो रही कालाबाजारी, रंगे हाथ पकड़ा गया पीएचसी का कंपाउंडर। मुजफ्फरपुर में महिला सिपाही ने की खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में एसकेएमसीएच में भर्ती, छुट्टी नहीं मिलने से नाराज थी महिला सिपाही। धनबाद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। लातेहार में अफीम की खेती पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने अफीम की फसल को किया नष्ट, अवैध कारोबारियों को चिन्हित कर की जा रही कार्रवाई। गोपालगंज में थावे पंचायत मुखिया की गोली मारकर हत्या, हथियारबंद अपराधियों ने मारी गोली, हत्याकांड के बाद मुखिया संघ ने जिला प्रशासन के खिलाफ किनारेबाजी। साहिबगंज में राधानगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी, चोर गिरोह के सरगना हुमायूं शेख को किया गिरफ्तार। साहिबगंज में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, हमले में घायल एक व्यक्ति के इलाज के दौरान मौत, मृतक की बेटी ने की पुलिस से पूरे मामले की जांच की मांग। सरायकेला के आदित्यपुर में राशन दुकान में चोरी, 50,000 के ज्यादा का सामान लेकर भागे चोर, घटना सीसीटीवी में कैद। दानापुर के फुलवारी शरीफ में थाना अध्यक्ष के चाचा के घर पर चोरी, ताला तोड़कर लाखों का सामान चोरी किया, जांच में चली पुलिस। बांका के दो मुहान पंचायत के मुखिया रेखा देवी के बेटे के दबंगे, पैसों के लेन देन में की युवक की पिटाई, इलाके के दौरान इलाज के दौरान युवक की मौत। कोडरमा में एक मानसिक विक्षिप्त ने सिक्योरिटी गार्ड को लाठी से पीटा, गंभीर रूप से घायल गार्ड का इलाज जारी, तिलैया थाना क्षेत्र के बाजार का मामला। लखीसराय में क्यूल पटना रेलखंड के मनकट्ठा स्टेशन से ट्रेन खुलते ही कोई लूट, हावड़ा जयनगर फास्ट पैसेंजर के विकलांग बोगी में चार यात्रियों को लूटा, 3 मोबाइल समेत लगभग 9,000 रुपए। मुजफ्फरपुर में एक महिला सिपाही ने जहर खाकर की आत्महत्या की कोशिश, सुसाइड नोट में छुट्टी न मिलने के बाद आई सामने, महिला सिपाही को गंभीर हालत में इलाज जारी। धनबाद में डीजल चोरों ने टायर दुकानदार को मारी गोली, हाईवा से डीजल चोरी करते हुए देख लेने पर वारदात को दिया अंजाम, गोविंदपुर थाना इलाके के बाग सूमा की वारदात। मिर्जा में पेड़ के सहारे फंदे से लटकता मिला युवक का शव, रात में दोस्तों के साथ निकला था युवक, पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच पड़ताल।
देवघर में दो पक्षों की गोलीबारी में युवक जख्मी, मोहनपुर थाना के सिरसा गांव की वारदात, घायल युवक का इलाज जारी। मोगामा थाने की पुलिस ने वाहन लूट की बड़ी वारदात को अंजाम नाकाम किया है। मुखी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लुटेरों को दबोचा। देशी पिस्टल जिंदा कारतूस और पाइप बरामद। दबीसरा में अज्ञात युवक का शव भागलपुर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। हलसी थाना इलाके में मिला था अज्ञात शव। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कैमूर में नेहा सिंह राठौर की कार का एक्सीडेंट। ट्रक ने मारी नेहा सिंह की कार को टक्कर। हादसे में बाल बाल बची नेहा सिंह राठौर की जान। अरवल में NH 139 पर ट्रक की चपेट में आने से दो बाइक सवार की मौत। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। जाम के जरिए पुलिस। हजारीबाग में बाइक सवार पेट्रोल पंप कर्मचारी की दीवार से टकरा कर मौत। मुकुंदगंज इलाके में हुआ हादसा। अगले महीने भी युवक की शादी। परिजनों में मचा कोहरा। सरायकेला में आनंदपुर उत्तम डी मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा। वाणी विद्या मंदिर स्कूल के छात्र छात्राओं को अनियंत्रित कार ने कुचला। हादसे में 3 छात्र घायल। कटिहार में ट्रैफिक पुलिस चलाएगी अभियान। नियमों की अनदेखी करने वालों पर कटेगा चालान। एसपी ने अभियान को लेकर दी जानकारी। पटना बख्तियारपुर फोर लेन हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार दो युवकों की मौत। युवकों की मौत से परिजनों में मचा कोहरा। मुजफ्फरपुर में अवध असम एक्सप्रेस के एसी कोच के चक्के से निकली आग। यात्री ट्रेन से कूदकर भागे। अफरा तफरी का माहौल। समस्तीपुर में किसानों को लागत से कम मिल रहे आलू के दाम। खेती की लागत न निकलने से किसानों की बड़ी चिंता। 500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा आलू। भागलपुर में कार और बुलेट बाइक के बीच में भीषण टक्कर। टक्कर के बाद कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। देवघर मोहनपुर मुख्य मार्ग पर लीला मंदिर के पास ऑटो पलटने से 11 लोग घायल। हंसडीहा इलाके के श्याम बाजार से बाबा मंदिर पूजा करने जा रहे थे लोग। सभी का गंभीर इलाज जारी है। देवघर रेलवे स्टेशन पर रोड हुए सड़क जाम के चलते यानी हादसे में युवक की मौत। जमुई जिले के समुताला थाना इलाके का रहने वाला था युवक। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम का माहौल। बोकारो में पशुधन विकास योजना के तहत पशु मेला का आयोजन किया गया। लाभुकों को पशुधन के बारे में दी गई जानकारी। डीसी के मुताबिक सभी प्रखंडों का इस तरीके से मेले का आयोजन किया जाएगा। रोहतास में 14 फरवरी से आयोजित होने वाली मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी। 55 केंद्रों पर 57,620 परीक्षार्थी। परीक्षा कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रशासन तैयार। कोडरमा में अपनी मांगों को लेकर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। समाहरणालय परिसर में दिया धरना। सरकार को राजसी रवैये का आरोप लगाया। बोकारो के सभी प्रखंडों में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जांच के बाद दिव्यांगों को दिया जाएगा प्रमाण पत्र। 100 से ज्यादा दिव्यांगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। जहानाबाद में केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ किसानों का धरना। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर किनारे वासी बजट में किसानों की अनदेखी का आरोप। पाकुड़ में पानी के लिए दुमका मुख्य सड़क को स्थानीय लोगों ने किया जाम। अधिकारियों पर लगाया मांग को अनसुनी करने का आरोप। खूंटी पुलिस ने अफीम की अवैध खेती के खिलाफ तेज किया अभियान। अब तक 2300 एकड़ अफीम की खेती को करवाया गया नष्ट। पुलिस के अलावा सीआरपीएफ को भी अभियान में किया गया शामिल। कैमूर परिवहन विभाग ने ओवरलोडेड गाड़ियों के खिलाफ 3 दिनों तक चलाया अभियान। परिवहन विभाग ने 36 गाड़ियों को पकड़ा। 40 लाख रुपये वसूला राजस्व। बोकारो में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में जिम्मेदार लगा रहे पलिता। छात्राओं से फॉर्म भरने और पैसे दिलाने के नाम पर वसूली की जा रही। चाईवासा शहर के जुगली तालाब में फेंका जा रहा गोबर और गंदगी। टाटा स्टील ने करोड़ रुपए खर्च करके पार्क और तालाब का करवाया जीर्णोद्धार। खटाल संचालक लगा रहे गंदगी का अंबार। कैमूर में झोला छाप। डॉक्टर्स के इलाज से एक शख्स की मौत। दस्त की शिकायत होने पर पहुंचा था मरीज। घटना के बाद परिजनों में माता। अगीसरा में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आक्रोश। महाधरना। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में एक दिवसीय धरना। बिहार सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी।